बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स और मैं हूँ रिचा। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि अभी 1:30 बज रही है और अभी मेरे खाना बनाने का टाइम हो चुका है। और आज का दिन भी एज यूजल दुर्ग पे वैसा ही सेम है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो आज उठने के बाद ही मुझे भूख लग रही थी और मुझे कुछ गर्म गर्म टेस्टी सा खाना था, तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है तो मैगी खाना तो बनता ही है। ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी करने के कारण आज सारा काम मेरा बहुत लेट हो गया। चाहती हूँ कि खाना बनाने में लेट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को पपीज़ के बारे में भी बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि पपीज़ रात भर रो रहे थे, तो कल से उनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। कि पपीज़ को वॉर्म जगह पे रख दिए हैं जिससे कि पपीज़ बहुत ज़्यादा सेफ हैं, और अभी तो उनकी आँखें नहीं खुली है। उनकी जब आगे खुल जाएगी वो थोड़ा सा चलना स्टार्ट कर देंगे, तब तो मैं आपको दिखाऊँगी ही कि कितने पपीज़ हैं और कैसे दिख रहे हैं, बट मुझे देखना था। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ बूंदी कढ़ी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। जब मैं चावल बना रही थी तो जब चावल का पानी निचोड़ते हैं तो मेरे दोनों हाथों पे गिर गया था, जिससे मेरे हाथ थोड़े से जल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूंदी कढ़ी भी बन के रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। 2 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई थी, तो धूप किचन में आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतने दिन के बाद धूप देखने को मिल रही थी। जब मेरा काम ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर धूप में जाके बैठती हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे भैंस एक लाइन बनाकर जा रहे थे। मैंने हमेशा बकरी को देखा हुआ है ऐसे झुंड या लाइन में जाते हुए, हमारे गली में फर्स्ट टाइम भैंस भी लाइन बनाकर जा रहे थे। जब शाम हो गई तो मेरे हस्बैंड लेके आए गरम गरम समोसे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और समोसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। हमारे दुर्ग में समोसे के साथ मिलती है गर्मा गर्म कढ़ी, और कढ़ी के साथ मिलता है लाल चटनी, जो कि लहसुन और मिर्ची का बहुत ही तीखा और बहुत ही टेस्टी सा चटनी होता है। साथ में मिलता है प्याज और मिर्ची। हाय गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने पहनी हुई है ब्लैक कलर की हुडी, और ये वाली जो हुडी है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुडी है, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी। और ये हुडी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से है। हुडी बहुत ही कम प्राइस की थी, मीन्स अंडर 400 थी। ठंड थोड़ी कम होती है या ठंड शुरू होने वाली रहती है या ख़त्म होने वाली रहती है, तो आपको एक हल्का सा स्वेटर, स्वीट शर्ट या हुडी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी वाली हुडी आप आराम से मंगा सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मिलती है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है। साथ मिल जाती है हमें कैप, जो कि आप देख सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास 2 या 3 जैकेट्स हैं, वो पूरे न्यू रखे हुए हैं, जिसे मैंने पहना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी नहीं थी, तो तब से वो वैसे ही रखा हुआ है, बट इस साल मैं उसे ज़रूर यूज़ करूँगी। गाइस, अगर हो सके तो कल ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास किस टाइप के स्वेटर्स हैं और जैकेट्स हैं, जो कि मैंने यूज़ किए भी हैं और यूज़ नहीं भी किए हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज़।